उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स एचीवर्स यानी उपलब्धियाँ, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियाँ, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत के इस विशेष एपिसोड में, एचीवर्स यानी उपलब्धियाँ के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष से बनाए हुए शिवलिंग के बारे में। हमने हर प्रकार के शिवलिंग देखे हैं, लेकिन इस बार आज जो हमें आपको बताने जा रही हूँ वो है 31 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ एक खूबसूरत शिवलिंग। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 31 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ एक महान खूबसूरत शिवलिंग दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर तालुका में शिव कथाकार, जिनका नाम है बटुक भाई व्यास। रुद्राक्ष शिवलिंग के रचयिता बटुक भाई व्यास ने रुद्राक्ष के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर एक पुस्तक भी लिखी है। पिछले 12 वर्षों से वलसाड़ जिले के धर्मपुर में बने रुद्राक्ष शिवलिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स में स्थान दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 5 बार उन्हें इस रिकॉर्ड को वहां पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रखने का स्थान मिला है। सूरत में बटुक भाई व्यास को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय फिटनेस ट्रेनर राज शेट्टी द्वारा 25 फीट ऊंचे रुद्राक्ष शिवलिंग के लिए लिम्का प्रमाण पत्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इससे पहले बटुक भाई व्यास को 15 फीट के रुद्राक्ष शिवलिंग के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी। धर्मपुर में रहने वाले और रुद्राक्ष पर शोध करने वाले रुद्राक्ष एक्सपर्ट, शिव कथाकार और रुद्राक्ष विशेषज्ञ बटुक भाई व्यास देश और विदेश में असली रुद्राक्ष के प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने रुद्राक्ष के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझाते हुए एक किताब भी लिखी है, जो अंग्रेजी में के साथ साथ गुजराती भाषा में भी उपलब्ध है। बटुक भाई व्यास ने कहा कि धर्मपुर में हम हर साल रुद्राक्ष शिवलिंग का निर्माण करते हैं। इस रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। धर्मपुर के बटुक भाई व्यास, जो पिछले कुछ वर्षों से रुद्राक्ष पर शोध कर रहे हैं, रुद्राक्ष के चलते फिरते विश्वकोश की तरह है। उन्हें इसके लिए देश विदेश के में प्रचार भी किया है। प्रमुख सूरत सीए अश्विन पारेख, मोहन जोशी, रामेश्वर लाल काबरा और भागवत कथावाचक पंकज भाई व्यास उनके पुरस्कार समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। रुद्राक्ष विशेषज्ञ बटुक भाई व्यास ने रुद्राक्ष शिवलिंग का पेटेंट करवाया है। रुद्राक्ष विशेषज्ञ बटुक भाई व्यास के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। व्यास, जो हर साल महाशिवरात्रि से पहले विशाल रुद्राक्ष शिवलिंग की स्थापना करते रहे हैं और रुद्राक्ष शिवलिंग के लिए एक पेटेंट से सम्मानित किया गया है, जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। इसीलिए उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से हम इस महान व्यक्ति को, जिन्होंने रुद्राक्ष को पूरे विश्व भर में उसके बारे में सकारात्मक संशोधन कर रहे हैं और हर व्यक्ति तक रुद्राक्ष की जो वैल्यूज होते हैं, जो उनकी अनमोल तत्व होते हैं, उनके बारे में बताते जा रहे हैं, तो आज इसी उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से हम उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय द्वारा व्यास जी को दिए गए पेटेंट प्रमाण पत्र में लिखा है, रुद्राक्ष की माला और उसके बेलनाकार वस्तु से बनी पूजा के लिए एक बेलनाकार वस्तु तैयार करने के लिए एक विधि। पेटेंट प्रमाण पत्र स्वीकार करता है कि व्यास जी ने रुद्राक्ष शिवलिंग बनाने का बीड़ा उठाया है। हर साल महाशिवरात्रि के त्योहार के लिए लाखों रुद्राक्ष की माला से व्यास जी और उनके अनुयायियों द्वारा एक साथ जोड़कर आदित्य शिवलिंग बनाया जाता है। अनोखा शिवलिंग हर साल लाखों दर्शकों और अपनी ओर आकर्षित करता है। बटुक भाई व्यास जी ने रुद्राक्ष शिवलिंग के लिए 4 बार प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है और इस वर्ष 2023 में भी उन्होंने 31 लाख रुद्राक्ष से महाशिवलिंग बनाकर 12 फरवरी और 18 फरवरी तक ये शिवलिंग का दर्शन आप कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अचीवर्स यानी उपलब्धियां,
आज के इस शिवरात्रि के विशेष एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस रुद्राक्ष एक्सपर्ट के बारे में जिनका नाम है बटुक भाई व्यास। बटुक भाई व्यास जी ने रुद्राक्ष से बने शिवलिंग बनाकर उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। एक बार नहीं, कई बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनको सम्मानित भी किया है। आइए देखते हैं इस साल, सुनते हैं कितने लाख रुद्राक्ष से इस वर्ष शिवलिंग बनने जा रहा है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका के तिस्करी तलाट गांव का इस वर्ष का फुटेज है। इस वर्ष के 31 लाख रुद्राक्ष से ये महाशिवलिंग बनाया गया है। इस बार 12 फरवरी से लेकर शिवरात्रि के दिन तक यानी 18 फरवरी तक ये शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। धर्मपुर तालुका में ऐसा लग रहा है जैसे एक महान पर्व का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के शिवलिंग हर वर्ष हमारे शिव कथाकार बटुक भाई व्यास जी के द्वारा बनाया जाता है और सरकार के द्वारा भी इसे पेटेंट की मान्यता मिली है। इस प्रकार के शिवलिंग बनाने का जो बेड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ शिव कथाकार बटुक भाई व्यास जी ने उनके नाम दर्ज किया गया है। उज्ज्वल भारत और एचीवर्स के दर्शकों ने इतना सारा प्यार दिया है इस एपिसोड को, इसीलिए पब्लिक डिमांड पर हमें शिवरात्रि पर विशेष एचीवर्स के लिए एपिसोड लेना पड़ा। पब्लिक की डिमांड थी कि हमें संडे के अलावा भी एक और विशेष पर्व जो महाशिवरात्रि का पर्व है 18 फरवरी को, लेकिन 12 फरवरी से ही आप इस विशेष शिवलिंग को आप दर्शन के लिए जा सकते हो, आप देख सकते हो। इसीलिए इस विशेष एपिसोड को हम लोग ने 12 के पहले ही रिलीज करने का सोचा। तो आइए सुनते हैं हमारे शिव कथाकार रुद्राक्ष एक्सपर्ट जिन्होंने रुद्राक्ष पर किताबें भी लिखी है। अंग्रेजी और गुजराती भाषा में ये किताबें उपलब्ध है। तो आइए चलते हैं धर्मपुर। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। एचीवर्स यानी उपलब्धियाँ, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ करता है, अब जो कुछ अलग हटके करते हैं। इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में जब कोई व्यक्ति कुछ अनोखा कर दे, कुछ अलग, कुछ हटके कर दे, तो वही बन जाते हैं एचीवर्स। जैसे हमारे वलसाड़ जिले के बटुक भाई व्यास, उन्होंने एक अनोखा कार्य किया है। 31 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाने का जो उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की है। आइए बात करते हैं, जिस दिन हमने पहले आपको दिखाया था उस वक्त ये शिवलिंग बिल्कुल शुरुआत के तौर पर था, वो तो बन रहा था, और आज देखिए ये शिवलिंग बन के तैयार हो चुका है। 31 लाख रुद्राक्ष कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की बात करेंगे तो एक रुद्राक्ष स्वयं एक शिवलिंग है, और यहाँ पर 31 लाख शिवलिंग, 31 लाख रुद्राक्ष से बना हुआ एक शिवलिंग है। हर रुद्राक्ष एक स्वयं एक शिव की तरह है। आइए बात करते हैं इसी आज के संदर्भ में, शिवरात्रि आ रही है, 18 को शिवरात्रि है, 12 को यहाँ पर शुरू हो जाएगा लोगों का आना जाना, पोथी यात्रा होगा। इस गांव के लोगों ने इस जमीन को इस शुभ कार्य के लिए दिया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बटुक व्यास जी जो शिव कथाकार है हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है इस उपलब्धि के इस विशेष एपिसोड में। जानते हैं कि उन्होंने ये उपलब्धि जो हासिल की है उनकी शुरुआत कैसे की और उनकी प्रेरणा कौन है। खूब स्वागत है आपका बटुक जी। आज के इस विशेष एपिसोड में एचीवर्स यानी उपलब्धियाँ, आपने उपलब्धि हासिल की है 31 लाख रुद्राक्ष शिवलिंग बनाने का। पहले तो मेरा सवाल है कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एचीवर्स और यूनिकनेस जी, ये दोनों को अलग अलग माना गया है जी। एक यूनिक थॉट, एक नोबल कोज के लिए एक नोबल थॉट। प्राचीन परंपरा से भगवान शिव के काल से रुद्राक्ष विद्यमान है और भगवान महादेव जी तो है, तो तब से भगवान वेदकालीन परंपरा से शिव पूजनीय है। तो भगवान शिव की दो प्रकार की पूजा होती है, दो प्रकार की मूर्तियां, एक लिंगाकार
और एक मूर्ति आकार, साकार और निराकार। निराकार में भगवान का लिंग स्वरूप है, तो लिंगों में भी पत्थर के, मिट्टी के, काष्ठ के, धातु के, परवाला के, मोती के, सुवर्ण के, चांदी के, पंच धातु के, अष्ट धातु के, जैसे हमारे मरुमाला से, तो विविध प्रकार के शिवलिंग की पूजा शास्त्र मान्य है। स्फटिक का, दही का, अलग अलग प्रकार का शिवलिंग बताया गया है शिव पुराण में। तो हमने काफी वर्षों पहले, हम वर्षों से भगवान शिव की पूजा करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष मालाएं रखी। काफी मालाएं हमारे मित्र दोस्त की हो गई, तो पूरी पिंडी जी थक गए। तो वो मध्य रात्रि को विचार आया कि रुद्राक्ष का ही अलग शिवलिंग क्यों न बनाए। फिर विचार आया कि ये शास्त्रीय हो सकता है या नहीं, कई बार दार्शनिक हो सकता है मगर शास्त्रीय नहीं भी होता है। तो विद्वानों से, बड़ों से, बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया, शास्त्र मान्य तर्क क्या है, तो तर्क मिल रहा है कि रुद्राक्ष स्वयं शिव, शिवांश, रुद्रांश, रुद्र का अंश है, यानी कि स्वयं रुद्र है। तो प्रत्येक रुद्राक्ष शिवलिंग है, तो महत्तम शिवलिंग की पूजा हो, तो इसलिए हम लोग सावन महीने में सोमवार को 5 मंदिर जाते हैं, शिवरात्रि के दिन 5 मंदिर जाते हैं, यानी कि 5 महादेव की पूजा हो गई। तो हमने सोचा कि मैक्सिमम महादेव की पूजा शिवरात्रि के पावन काल में की जाए। तो हमने पहला शिवलिंग बनाया 11,000 रुद्राक्ष का, जो 11 फीट का था, वो 30 साल पहले धर्मपुर में बनाया। ये रुद्राक्ष शिवलिंग धर्मपुर की परंपरा है, बाय लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत रुद्राक्ष शिवलिंग परंपरा यानी कि अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर वर्शिपिंग मेड फ्रॉम रुद्राक्ष बीड, इस टाइटल के अंतर्गत, यानी कि जो पेटेंट होती है वो विचार को यानी कि प्रक्रिया को मिलती है। तो इस प्रकार का नलाकार ऊपर से हाफ राउंड और बनाया जाए और रुद्राक्ष बनाया जाए फॉर वर्शिपिंग, पूजा के लिए। तो इस प्रकार की जो निर्माण पद्धति है वो हमारे नाम पे पेटेंट है। तो ये धर्मपुर का पेटेंटेड प्रोडक्ट तो नहीं बोलता हूँ मैं, महादेव है, प्रोडक्ट नहीं बोलते उन, ये हम सब उनकी प्रोडक्ट है, पूरे संसार त्रिलोकी है वो। तो ये रुद्राक्ष शिवलिंग परंपरा के सर्जक, इट्स पेटेंटेड। तो एक नई परंपरा के रुद्राक्ष का शिवलिंग हो सकता है, ये विचार तब से आया और 11 इंच से यात्रा शुरू करते हुए नंबर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज हमारे पृष्ठ भाग में आप देख रहे हैं वो 31 फीट ऊंचा, यानी कि 3 मंजिले से भी ऊंचा, ये इतना परफेक्ट शेप में है। तो आप 15 फुट के देखोगे तो भी आपको इतना ही लगेगा, 35 फुट का देखोगे तो, क्योंकि सब प्रमाण बनता है शास्त्रीय माप के अनुसार ये बनता है, तो बड़ा नहीं दिखता है, मगर आप जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे सीढ़िया से, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कितने बड़े हैं। 31 फुट ऊंचा, 31 लाख रुद्राक्ष का, और 2008 में हमने लिख दिया कि विश्व का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष। तो मेरे कई मित्रों ने मुझे टोका दिया, आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो बोला ये तो विश्व में नहीं बना हुआ है। तो बोले आपको, आप बोल दे तो थोड़ा हो जाता है, कोई और बोलना चाहिए, ऑथेंटिकेट संस्था बोले। तो मैंने पूछा वो कैसे हो सकता है, तो कि इक्वलेंट टू गिनेस बुक हमारे लिम्का बुक जो कोका कोला चलाती है, तो हमने 2008 में लिम्का बुक में ये एप्लीकेशन को डाला रिकॉर्ड के लिए। फिर काफ़ी चर्चाओं के बाद थोड़ी चर्चाएं भी चली कि माइथोलॉजिकल है, और मैंने कहा कि शंकर तो एक विचार है, शिव आपके जीवन में एक कल्याण का विचार आए तो आपके मन में शिव प्रकट हो गया, और इसका वेदांत का भी श्लोक है कि तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, जिसके मन में कल्याण का भाव आ जाए वो शंकर की पूजा है।
तो हमने ये प्रूव किया कि शिव एक विचार है। तो एज ए यूनिक थॉट इस रुद्राक्ष शिवलिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहली बार 2008 में दर्ज किया गया, फिर 9 में, फिर 11 में, फिर 17 में, 4 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ, 3 बार धर्मपुर का इवेंट है, और चौथी बार का जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था वो चोरवाड़ धीरूभाई अंबानी का जो नगर है उस नगर में भव्य आयोजन हुआ था। वो सर्टिफिकेट मैंने आदरणीय हमारे सम्मित्र भ्राता योगेश भाई पाठक, चेतनाबेन पाठक और उनकी पूरी टीम, पूरा चोरवाड़ गांव को हमने ये सर्टिफिकेट सम्मान अर्पण किया था। और एक शास्त्र में भी कहावत है, आप जितना भी जप तप व्रत कितना भी यज्ञ कर लो, आखिर वो आपका कब हो जाता है? जब आप संकल्प करके उनके समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं वो अपना बन जाता है। तो वो चौथा सर्टिफिकेट मैंने चोरवाड़ नगर को समर्पित किया था, और ऐसे ये अचीव तो नहीं बोलते मगर उसको एक परम संतोष देने वाली ये घटना है। मैं दिने दिने नवम नवम मुझे हर रोज आता हूँ मैं तो मुझे तो हर रोज मेरे महादेव जी नए नए दिखते हैं, और ये जब तक नए दिखते रहेंगे तब तक बाबा को बनाते रहेंगे। बिल्कुल, बस शब्द कम पड़ते हैं, सही कहा है, शास्त्रों में लिखा है और ये बात बिल्कुल सही है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ये बात बिल्कुल सच है, सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहा गया है। कहते हैं ना कि कुछ अनोखा करना है, कुछ हटके करना है, कुछ सकारात्मक करना है। हर व्यक्ति आज की इस भीड़ भाड़ से इस जिंदगी में भागता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आखिर थक जाता है। लेकिन थकता वो नहीं है जो कुछ सही दिशा में जब वो भागता है, दौड़ता है, कार्य करता है, कुछ समाज के लिए अच्छा सकारात्मक सोच रखता है। जब दिशा सही हो, जब सोच सही हो, तब हम कैसे थक सकते हैं। जैसे हमारे कथाकार बटुक जी, बटुक भाई व्यास जी ने जो उनकी जो सोच है 11,000 रुद्राक्ष से शुरू की थी और आज 31,00,000 रुद्राक्ष के शिवलिंग पर पहुंची है, और हम ये उम्मीद करते हैं ये अनंत हो जाए, क्योंकि जब एक रुद्राक्ष स्वयं एक शिव है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये अनंत काल तक अनंत की तरह चलता रहे, और ये जो रुद्राक्ष के शिवलिंग बनने का जो एक सिलसिला है ये कभी इसका कभी अंत ना हो, और ये अनंत है और अनंत ही रहेगा। अखिल भारत हमेशा प्रयास करता है इस प्रकार के सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक कार्यों को, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को समाज तक पहुँचाए। तो मैं चाहूँगी इस प्रकार के कार्य को, एक्टिविटी को देख कर कुछ अच्छा सकारात्मक समाज के लिए अच्छा हो वैसा करें। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, बहुत सुविधाजनक है, लेकिन उसका गलत प्रयोग, गलत उपयोग, गलत इस्तेमाल ना करें। ईश्वर हमें जो ज्ञान देता है उस विज्ञान को हम इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं हमारे सकारात्मक कार्यों के लिए, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। टेक्नोलॉजी ने हमेशा ये कहा है कि आप उस पर निर्भर मत हो जाइए संपूर्ण तरीके से, क्योंकि आखिरकार इंसान टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी हमें नहीं बना सकता, तो आपको उन पर निर्भर नहीं होना है। बस आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस प्रकार से आपको आप तक हर प्रकार के इस प्रकार के एपिसोड को आप तक ले पहुंचाने का कार्य हमारा रहेगा। ये इतना उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड, ये विशेष एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। डू यूनिक एंड बी यूनिक टू बिकम एन अचीवर। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, तिस्करी तलाट गांव से, धन्यवाद। जीवन के अग्निपथ पे वीर लहराते हैं परचम, साहस पा लेने का लक्ष्य को उनमें रोपित करता है उद्धम। सज चुका है अब रणक्षेत्र, शूरवीर दिखाते हैं अपना दमखम। हो क्षेत्र कोई भी कर्म का, प्रतिभाशाली ही करते हैं रोशन। नमन है ऐसे नवनिर्माताओं को जो करते हैं अपना जीवन रोशन, जो अपना जीवन रोशन, अपना जीवन रोशन। जीवन के अग्निपथ पे वीर लहराते हैं परचम, साहस पा लेने का लक्ष्य को उनमें रोपित करता है उद्धम। सज चुका है अब रणक्षेत्र, शूरवीर दिखाते हैं अपना दमखम। हो क्षेत्र कोई भी कर्म का,
प्रतिभाशाली ही करते हैं रोशन। नमन है ऐसे नवनिर्माताओं को जो करते हैं अपना जीवन रोशन, जो अपना जीवन रोशन, अपना जीवन रोशन। जीवन के अग्निपथ पे वीर लहराते हैं परचम, साहस पा लेने का लक्ष्य को उनमें रोपित करता है उद्यम। सज चुका है अब रण क्षेत्र, शूरवीर दिखाते हैं अपना दमखम। हो क्षेत्र कोई भी कर्म का, प्रतिभाशाली ही करते हैं रोशन। नमन है ऐसे नवनिर्माताओं को जो करते हैं अपना जीवन रोशन, जो अपना जीवन रोशन, अपना जीवन रोशन। स्पेशल थैंक्स टू पोएट जे आनंद जी जिन्होंने ये कविता लिखी है अचीवर्स के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू अमित कवि जी जिन्होंने इस कविता का पठन किया है। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़ अचीवर्स।